तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल एजाज खान वी आर वाई में। कहने को तो ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक का इंसान काम कर रहा है तो सब चीज़ का तजुर्बा होना चाहिए। देखिए भाई लोगों, ये एक फैन रेगुलेटर है, 100 वाट का है ये, 240 वोल्ट एसी इसमें दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं आज इसे खोल करके। रिपेयर तो मैंने भी कभी इसे नहीं करा है, लेकिन खोल के देखते हैं इसमें है क्या, और खोलने पर अगर ये सही हो जाए तो अच्छा ही है ना। देखते हैं फिलहाल। एक कस्टमर दे गया है, वो बोला यार भाई ये सही हो जाएगा। मैंने कहा देखता हूँ यार, करा तो मैंने भी नहीं है आज तक इसको, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, खोल के देखते हैं इसमें है क्या। क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी पार्ट्स हैं सब में यही कंपोनेंट होते हैं, तो अभी इसमें खोल के देखते हैं यार कि क्या क्या है इसके सिस्टम। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों क्या है इसमें, 4 रेजिस्टेंसों का खेल है। ये पीएफ तो कभी ख़राब होते ही नहीं है जल्दी, बहुत ना के बराबर ही ख़राब होते हैं पीएफ। इसमें पीएफ कौन सा पड़ा हुआ है, 250 वोल्ट एसी। ठीक है, और सेम सेम यही दो दो पीएफ पड़े हुए हैं। बस इन रेजिस्टेंसों का खेल है, जो भी है। अभी ये रेजिस्टेंस है, अगर ये सही है तो सही है, ख़राब है तो ख़राब है। चलिए ठीक है, अभी रेजिस्टेंस को चेक करके देखते हैं। इसके अंदर ये फॉल्ट फॉल्ट आ रहा है, ये इसकी मेन सप्लाई जो आ रही है, जो कि रेगुलेटर के 3 पॉइंट में ये जा रही है। तो इसकी मेन सप्लाई जो है ये कट हो गई है, यहाँ से जो है ब्रेक हो गई है। देखिए ये दिख रही है इसकी, ये मेन सप्लाई ब्रेक हो गई है। ठीक है, अभी हम इसकी मेन सप्लाई लगा करके फिर आपको दिखाते हैं भाई लोग। ये देखिए भाई साहब, अभी हमारा ये जो है बिल्कुल ओके हो चुका है रेगुलेटर। अभी मैं आपको इसको फिट करके फिर फ्रिज में इसको जोड़ करके फिर दिखाता हूँ। ठीक है, इसकी मेन सप्लाई जोड़ दी, पीएफ जोड़ दी, अभी ये ठीक हो चुका है। अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए भाई साहब, इसमें यार मोबाइल रोकने का इंतजाम नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये दोनों तार हमारे लगे हैं रेगुलेटर में और वो बल्ब जल रहा है। अभी ये बल्ब को तेज करेंगे, ठीक है, ये फुल हो गया, ये और फुल हो गया, ये 4 नंबर पे आ गया, ये बंद हो गया, ये स्विच ऑफ हो गया। ये अब ये 1 नंबर पे करेंगे तो 1 पे आ गया। ठीक है, 2 पे करेंगे तो ये स्लो चल रहा है, यानी ये पॉइंट इसका उल्टा है, इसी के हिसाब से ही उल्टा है। यहाँ पे आना चाहिए 1 पे, ये 2 पे आ रहा है। बहरहाल ये देखिए, ये 3 हो गया और ये हो गया 4, यानी ये हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। ठीक है भाई लोगों, तो इस तरीके से आप लोग भी रिपेयर कर सकते हैं इसको। फ़ैन रेगुलेटर कैसे रिपेयर करा आपने देखा, तो आप लोग भी इसी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है भाई लोगों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।